क्लास 9। आज शुरू करते हैं हमारा क्लास। हम शुरू करेंगे सिविक्स में। सिविक्स का ये हमारा दूसरा चैप्टर है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। ठीक है, तो इसके पहले चैप्टर्स में हमने पढ़ा था अब उसका कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे डिज़ाइन हुआ था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले क्लास 8 में भी आपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस किया था हम लोगों ने, हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ फॉर्म्ड, उसके पूरे हमने डिस्कस किया था। सेम चीज़ है यहाँ पे, थोड़ा सा अलग है ये, क्योंकि आपने जब बेसिक हमने पढ़ा था 8 में, उसके थोड़ा सा अलग हो जाएगा ये। तो क्लास 8 वाला तो याद होना चाहिए ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो वापस शुरू करते हैं हमारा चैप्टर्स। उस स्टार्टिंग से सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं। वापस से पूछूंगी आपसे कि कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, आपको याद होना चाहिए। हमने बार बार कहा था, इट इज़ अ सेट्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलोड बाई पीपल ऑफ द कंट्री एंड द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी दिया गया है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री। क्या ये, इट इज़ अ सेट्स ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाई ऑल द पीपल लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री। जो कंट्री में रहते हैं लोग, उन सभी को फॉलो करना पड़ता है, और इससे ऊपर कोई रूल्स नहीं है। इसे सुप्रीम लॉ भी कहा जाता है, जो हमें डायरेक्ट करता है हमारा रिलेशन कैसा है हमारे देश के साथ, हमारे गवर्नमेंट के साथ, हमारे पीपल्स के साथ कैसा रिलेशन है, ये बताता है। तो अब ये हो गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। अब आता है क्वेश्चन कि वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, हमें कॉन्स्टिट्यूशन से क्या फ़ायदा है, हमें देता क्या कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले देखो, कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, इट क्रिएट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले ट्रस्ट होती है, कोऑर्डिनेशन होती है, हम भरोसा करते हैं एक दूसरे पे, साथ में मिलके काम करते हैं, किसके, पीपल्स के, एंड वी लिव टुगेदर। तो ये हमें कौन बताता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, क्योंकि हम इस पर भरोसा करते हैं। सेकेंड, इट स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, गवर्नमेंट कैसे काम करेगा, किस तरह से करेगा, किसके पास कितना पावर होगा, ये भी डिसाइड करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। साथ में इसके साथ में हमें ये भी बताता है कि जो पावर हमने गवर्नमेंट को दिया है, जो गवर्नमेंट्स के पास जो पावर्स है, पीपल्स की जो पावर्स है, वो पावर्स अननेसेसरी वो गलत ना करें, इसलिए लिमिटेशन भी दिया गया कि गवर्नमेंट्स की लिमिट्स क्या है, सिटीजन्स की राइट्स और उसकी लिमिट्स क्या है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में ईजिली बताया गया है। फोर्थ, इट एग्जिबिट्स, साथ साथ ये हमें इंस्पायर करता है हमारे देश के, हमारे लोगों को, हमारे देश के कंट्रीज के पीपल्स को, टू बी आ गुड सिटीजन्स। हमें किस तरह से अपने आप को इंस्पायर करें, लोगों को इंस्पायर करें, सबको मिलके रहना है एक दूसरे के साथ, ये हमें बताता है। तो इसी तरह से हमें इतनी सब चीज़ें हमें देता है, कौन देता है, कॉन्स्टिट्यूशन। एंड फॉर दैट रीजन वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, सो दैट वी कैन लिव इन अ कंट्री हैप्पीली, स्मूथली, देर विल बी नो प्रॉब्लम्स, ऑल द प्रॉब्लम्स आर बीन सॉर्ट आउट बाय द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट्स। तो ये सब कुछ लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। अब एक एग्जाम्पल्स के थ्रू से हम पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन कितनी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़रूरी है। और ये कहा गया, वी कैन अंडरस्टैंड विद एन एग्जाम्पल, लिविंग एग्जाम्पल ऑफ साउथ अफ्रीका। ये बहुत ही गुड एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है। जैसे वी हैव गॉट इंडिपेंडेंट इन द ईयर 1947 में हम इंडिपेंडेंट हुए, फिर 1947 में जब हम इंडिपेंडेंट हुए, हमारे 1994 में इतने लंबे समय के बाद साउथ अफ्रीका इंडिपेंडेंट हुआ। हम पर रूल कर रहे थे ब्रिटिश यूरोपियंस, यहाँ पर भी यूरोपियंस इनके ऊपर रूल कर रहे थे, वाइट पीपल इनके पर भी रूल कर रहे थे। ये लोग सफ़र कर रहे थे किस चीज़ पे, साउथ अफ्रीका ऑल्सो सफर्ड बाय सिस्टम, सफर्ड थ्रू एपाथाइड। एपाथाइड मीन्स रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल मीन्स कलर, कलर डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। ठीक है, कलर के बेस पे जो भेदभाव किया जा रहा है उस चीज़ों को, तो यहाँ पे एपाथाइड मीन्स वेयर वी आर डिवाइडिंग द पीपल, डिस्ट्रीब्यूटिंग द पीपल बेस्ड ऑन कलर, कि वाइट और ब्लैक, तो किस में हम लोग भेदभाव कर रहे हैं, ब्लैक और कलर में।
फिर यहाँ पे क्या देखा गया है, यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट के साथ जब हम लोग भेदभाव कर रहे हैं, यहाँ पे कौन कर रहा था, द यूरोपियन पीपल्स कर रहे थे, दे हैव फॉर्म देयर रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसके बेस पे वाइट के लिए अलग एंड ब्लैक के लिए अलग। वाइट पीपल्स जो थे वो इन्जॉय कर रहे थे सारा राइट्स, इन्जॉय किया कर रहे थे ऑल द राइट्स, और किसको राइट्स नहीं मिली थी, राइट्स इन्जॉय कर रहा था वाइट पीपल्स। ब्लैक पीपल्स की बात क्या था, कुछ भी नहीं था, ब्लैक पीपल कुछ भी इन्जॉय नहीं कर रहे थे, सारा राइट्स जो था वो वाइट्स के पास था, ब्लैक के पास दे डोंट हैव एनी राइट्स, नो राइट्स, या फिर इनके पास कोई भी राइट्स नहीं थी, ठीक है। सो दे आर फाइट एंड दे फाइटेड फॉर दैट, इन्होंने फाइट की और लंबी लड़ाई चली जिसके कारण बाद में उनको वो जस्टिस मिली। फिर जस्टिस में उन्होंने क्या किया था, हमने पढ़ा कि उन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म की तो उन्होंने किसको राइट्स दिया था, अपने ऑपरेशंस वाले को जो उनको दबा रहा था, उन्होंने क्या बताया अपने फेलो वाले को, ब्लैक वाले को, कि अगर हम भी सेम वैसे ही करेंगे जो वाइट ने किया तो हम पे और उनमें क्या डिफरेंसेस रहेगा, तो इट्स बेटर कि हम भी उनके साथ मिलके, ब्लैक और वाइट दोनों मिलके अगर हम लोग मिलके रूल्स बनाते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एक एग्जाम्पल बनेगा वर्ल्ड के लिए, और जिसके कारण वो एग्जाम्पल बना वर्ल्ड में, ठीक है। सो दैट वॉज एन एग्जाम्पल, गुड एग्जाम्पल थ्रू विच वी कैन ईजली नो दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमने अपने ड्राफ्टिंग कमिटीज़ वाला भी हमने डिस्कस किया हुआ था कि ड्राफ्टिंग कमेटी हमारी जो थी उन्होंने फॉर्म किया था, इलेक्शंस हुआ था 1946 में, इलेक्शंस हुआ था बिफोर वी गेट इंडिपेंडेंस, उससे एक साल पहले इलेक्शन किया गया था, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाया गया, फिर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की मीटिंग हुई थी 1946 में, फिर जब उसके बाद इंडिया एंड पाकिस्तान डिवाइड हो गया तो हमारे पास जो मेम्बर्स थे 299 मेम्बर्स, वो मेम्बर्स जो थे उन्होंने क्या किया, ये मेम्बर्स थे जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म किया था, अडॉप्ट किया था। हमने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था 26 वाई वी हैव चूजन 26 जनवरी 1950 एंड 26 जनवरी इट वॉज बीन कम्प्लीटेड, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन के तैयार हुआ था 1949 में 26 नवंबर, इम्प्लीमेंट हुआ था 1950 में 26 जनवरी, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो अगर आपने लास्ट वीडियो दिया देखा नहीं तो प्लीज़ आगे लास्ट वीडियो को देखो जिसमें हमने इससे ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया था डिटेल्स में। फिर असेंबली ने सभी चीज़ों के बेस पे कॉन्स्टिट्यूशंस पे जो काम भी किया, जो लोग थे उसके अंदर, वो सभी ग्रुप से लिया गया था, लैंग्वेज के ग्रुप से, कास्ट के, रिलीजियस के ग्रुप से, ताकि किसी पे ऐसा ना लगे कि उन्होंने हमारे ग्रुप्स को छोड़ दिया तो हमारे रूल्स बनाएंगे तो हमारे प्रॉब्लम्स को उन्हें पता ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हो, इसके लिए उन्होंने सारे ग्रुप्स से इंक्लूड किया था। और बी आर अम्बेडकर वॉज द ड्राफ्टिंग कमेटी के, हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का प्रेसिडेंट कौन था, राजेंद्र प्रसाद। ये आपने क्लास 8 में ही पढ़ा था राजेंद्र प्रसाद। इसी तरह से ये चीज़ें जो है आपको याद होना चाहिए था, और इट वॉज बी कम्प्लीटेड, इट टुक्स टू फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन विद इन 2 years 11 months and 18 days में ये कॉन्स्टिट्यूशन कम्प्लीट हुआ, ठीक है। नाउ हु डिज़ाइन देम एंड इन वॉट वे, ये लोग कौन कौन थे जिन्होंने ये डिज़ाइन किया था और किस तरह से, तो कहा जाता है वो डिज़ाइन द कॉन्स्टिट्यूशन, वो एक्सपर्ट थे लॉ से रिलेटेड, सोशल साइंस से रिलेटेड, अपने अपने ग्रुप्स में जो उनकी नीड्स थे उनकी डिमांड्स को आगे लेके कि उनको उनके लिए काम करना है, और यहाँ पे किसी एक किसी सिंगल पर्सन का यहाँ पे नहीं था, देयर वाज अ ग्रुप ऑफ पीपल्स हु सिट टुगेदर एंड थिंक ऑफ द पीपल्स कि उनको क्या चाहिए, देश को क्या चाहिए, फिर बाद में बनाया था। यहाँ पे देखो कुछ मेंबर्स है जो उन्होंने बनाया था, सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर, वल्लभ भाई पटेल ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, और ये सारे बाद में जो है ये सारे मेंबर्स हैं, वल्लभ भाई पटेल मेंबर हैं, अब्दुल कलाम मेंबर थे, टीटी कृष्ण रामाचार्य मेंबर थे, जयपाल सिंह ये भी मेंबर थे, एचसी मुखर्जी मेंबर थे, दुर्गा भाई देशमुख ये भी मेंबर थे, बालदेव सिंह, के एम मुंशी मेंबर्स थे, श्याम प्रसाद ये भी मेंबर्स थे, जवाहरलाल नेहरू हमारे मेंबर्स थे, साथ में हमारे इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बने सरोजनी नायडू, शी इज़ ऑल्सो मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, एंड सोमनाथ लहरी इज ऑल्सो द मेंबर। तो इसी तरह से ये सारे मेंबर्स थे। फिर हमने प्रीएम्बल पढ़ा था क्लास 8 में, तो जिसी तरह से हमने यहाँ पे याद होगा आपको क्लास कि हमने हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन थी इसकी आइडियाज हमने कहाँ से लिया था, यूएस से लिया था,
ब्रिटेन से लिया था, और एक और कंट्री था आयरलैंड, इनसे लिया था। तो यूएसए हमने क्या लिया था, यूएसए हमने लिया था फंडामेंटल राइट्स। ब्रिटेन से कौन सा कंसेप्ट लिया था, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आयरलैंड से क्या लिया था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो जो जो अच्छी चीज़ें थी सबसे हमने वो लिया। वापस एक बार रिपीट कर रही हूँ, यूएसए हमने लिया था फंडामेंटल राइट्स, ब्रिटेन से लिया था ब्रिटेन से लिया था हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आयरलैंड से लिया था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। साथ में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल से शुरू होता है उसमें लिखी थी इक्वलिटी एंड जस्टिस। इक्वलिटी जहाँ पे सभी को कानून के अकॉर्डिंग इक्वल राइट सभी को मिलेगी, आइदर मैन और वुमेन से इक्वल, दे ऑल इक्वल बिफोर द लॉ। जस्टिस, सभी को न्याय मिलेगा। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारी वो सभी को देखेगी, दे शुड गेट ऑल द, दे विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी की तरह भेदभाव नहीं हो, भले वो पैसे वाला हो गरीब हो, उस तरह से जस्टिस जो है सबको मिलेगी। लिबर्टी फ्रीडम आज़ादी, किस चीज़ की आज़ादी, दैट यू कैन गिव योर फ्री स्ट्रेस ओवर द लिबर्टी, जहाँ पे सिटीजन के ऊपर कोई भी दबाव नहीं है, वो अपनी आज़ादी इंजॉय कर सकते हैं, अपनी स्पीच अपने विचार अपने जो भी चीज़ें वो फुली इंडिपेंडेंटली वो बता सकते हैं दूसरों को, कंट्री को, गवर्नमेंट को, कोई किसी में इसमें रोक टोक नहीं है। सेक्युलरिटी इट मीन्स कि हमारे देश में कोई भी रिलीजियस को हम मान सकते हैं, और यहाँ ऐसा कोई एक भी रिलीजियस ऐसा नहीं जिसको गवर्नमेंट उसको कहती है कि वो देश का रिलीजियस है। ऑल रिलीजियस आर गिवन इक्वल रिस्पेक्ट, तो इसीलिए हमारे देश में कोई ऑफिशियल रिलीजियंस नहीं है, इसीलिए सेक्युलरिटी। रिपब्लिक कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किसने बनाया, पीपल्स ने बनाया था, ठीक है, हमने बनाया था, हमने अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन दिया, उसकी वैल्यूज उसकी इंपॉर्टेंस हमें पता है। और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो भी कोई राजा नहीं है, ये फ्रॉम पीपल्स है। यहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई इलेक्ट, सभी कौन है, इलेक्टेड, दे आर ऑल इलेक्टेड बाय द पीपल एंड नॉट अ हेरिडिटरी वन। जैसे पहले होता था राजा का बेटा ही राजा बनेगा, वैसा कोई सिस्टम नहीं है, इसी तरह से ये रिपब्लिक है। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ये था, ये प्रीएम्बल, ये प्रीएम्बल में लिखी हुई थी, दैट वाज अ कंटेंट ऑफ द चैप्टर सबसे पहला। तो जब प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन हम देखते हैं सबसे पहले खोलते हैं तो हमें सबसे पहले क्या मिलता है, प्रीएम्बल मिलता है। इसी तरह से प्रीएम्बल्स में सबसे पहले अगर ये देखेंगे तो उससे समझ में आता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें कौन कौन सी चीज़ें लिखी गई है और कौन कौन सी चीज़ों के बारे में बताया गया, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में जो है वी विल स्टार्ट। तो आज का हम लोग यहीं तक कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में वी कैन स्टार्ट दैट वी कैन वी मेक चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, हम चेंज कर सकते हैं, ये नए टॉपिक से शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो फर्स्ट पहला वीडियो देखोगे, ये दूसरा वीडियो है चैप्टर का, तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। इजी चैप्टर है, क्योंकि अगर आपको क्लास 8 का कंटेंट याद है, नहीं भी याद है तो मैंने रिवीजन करवा दिया है, तो आप प्लीज़ एक बार देखो और फिर चैप्टर्स एक बार रीड कर लो, तो आपको पूरा कंटेंट समझ में आ जाएगा, ठीक है। टिल देन वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।